हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विंसी प्रीमियर लीग के मैच नंबर 13 के बारे में जो कि खेला जाएगा लास्ट ऑफ ईयर हाइकर्स वर्सेस ग्रेनाडाइन डाइवर्स के बीच में। तो जरूर से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। दोस्तों पहले बात करें लास्ट ऑफ ईयर हाइकर्स की, तो ये टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। चार में से एक ही मुकाबला हारे है, तीन मुकाबले जीते हैं। काफी बढ़िया इनका परफॉर्मेंस रहा है, अभी तक टीम काफी स्ट्रांग लग रही है। पिछले मुकाबले में प्रदर्शन भी काफी बढ़िया था। टारगेट पिछले मुकाबले में जरूर एवरेज सा ही दिया था, पर उसे बहुत बढ़िया बॉलिंग के चलते इन्होंने डिफेंड कर दिया। बीच में लगा था कि मैच पलट सकता है, पर बाद में इन्होंने जो है टेम्परामेंटली काफी क्लियर बॉलिंग की और जो है लाइन एंड लेंथ तो मेंटेन कर रहे थे, तो अच्छी बॉलिंग के चलते इन्होंने टारगेट को डिफेंड कर दिया। और ऐसे में इस समय इनकी टीम की सिचुएशन काफी बढ़िया है, पॉइंट्स टेबल में भी दूसरे नंबर पर है, नेट रन रेट अच्छा है, तो ये टीम अभी तो टूर्नामेंट में काफी स्ट्रांग लग रही है। पिछले मुकाबले में बैटिंग में सलमान ब्राउनी की इनिंग्स अच्छी थी, इसके अलावा ओ लुइस ने बॉलिंग बढ़िया की थी। दोस्तों अभी बात करेंगे अपोनेंट्स ग्रेनाडाइन डाइवर्स की, तो इस टीम ने अपना पिछला मुकाबला खेला था डार्क एक्सप्लोरर्स के खिलाफ, जिसे ये 6 रनों से हारे थे। जरूर उतना बड़ा मार्जिन नहीं था, पर फिर भी जिस कंडीशन में ये टीम है ये अभी हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। 4 में से 3 मुकाबले हारे हैं, सिर्फ 1 मुकाबले में इन्हें जीत मिली है। पॉइंट्स टेबल में भी ये नीचे से दूसरे नंबर पर है, तो आप समझ सकते हैं कि एक टीम ऊपर से दूसरे नंबर पर है, वही दूसरी टीम नीचे से दूसरे नंबर पर है, तो दोनों ही टीमों की परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा अंतर रहा है। और ऐसे में हमें ये मुकाबला क्लोज कॉन्टेस्टेड या अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, इसके चांसेस भी काफी कम है और हो सकता है कि हम इस मुकाबले में एक वन साइडेड मैच देखने को भी मिले। तो इस समय ग्रेनाइट डाइवर्स चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द टूर्नामेंट में कमबैक करे, वही लास्ट ऑफ ईयर हाइकर्स चाहेंगे कि अपने ऐसे ही परफॉर्मेंस को ये कंटिन्यू करे। अभी बात करें मेरे इस मुकाबले क्रिकेट ड्यूल टीम की, तो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, उसे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आपको सबसे ऊपर मेरा कमेंट मिलेगा, जहां पे क्रिकेट ड्यूल का लिंक और मेरा बोनस कोड मिलेगा, जिसे यूज करने पर आपको फ्री बोनस मिल जाएगा। क्रिकेट ड्यूल भी ड्रीम इलेवन की तरह ही एक प्लेटफॉर्म है, बस यहाँ पे आपको सिर्फ 6 खिलाड़ियों की टीम बनानी होती है। काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जाइए जल्दी से उस लिंक से क्रिकेट ड्यूल को डाउनलोड कर लीजिए। अभी बात करें पिच की, तो वीपीएल में हमें दिन के पहले मैच में पिच हार्ड देखने को मिली है और ये पैटर्न कंटिन्यू भी होता आ रहा है, तो ऐसे में इस मुकाबले में भी हमें हार्ड पिच देखने को मिलेगी, बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगी। अभी बात करें मैच प्रेडिक्शन की, तो मुझे लग रहा है ये मुकाबला जीतेंगे लास्ट ऑफ ईयर हाइकर्स। मेरा मैच प्रेडिक्शन है लास्ट ऑफ ईयर हाइकर्स। अभी बात करें आज के दूसरे मैच की, तो वो खेला जाएगा डार्को एक्सप्लोरर्स वर्सेस साल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स के बीच में, और उसका मैच प्रेडिक्शन भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। डार्को एक्सप्लोरर्स इस समय पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है, 4 में से 2 मुकाबले में जीत मिली है, वही 2 मुकाबले ये हारे हैं। वही बात करें साल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स की, तो ये टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पोजीशन पर है, 4 में से 4 मुकाबले ये जीते हैं, एक भी मुकाबला इन्होंने हारा नहीं है। और मेरा मैच प्रेडिक्शन भी है साल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स, दूसरे मैच का मैच प्रेडिक्शन साल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स होगा। पहले मैच का मैच प्रेडिक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पर ये दोनों मेरी पर्सनल मैच प्रेडिक्शंस थी। अगर आपको गारंटी के साथ मैच प्रेडिक्शंस चाहिए, वो भी पहले दोनों मैचेस की ही नहीं बल्कि आज के तीसरे मैच की भी, तो वो आपको विराट क्रिकेट टिप्स के पास मिल जाएंगी, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ये आपको सब कुछ 100% गारंटी के साथ देंगे। वीडियो के मैच प्रेडिक्शन पर्सनल मैच प्रेडिक्शन थी, पर इनके पास आपको मैच प्रेडिक्शन जो है गारंटी के साथ मिलेगी। अभी तक इन्होंने सारे मैचेस में राइट प्रेडिक्शन दी है, इनका एक भी मैच गलत नहीं रहा है, और इनके पास आपको मैच की सेशन की टॉस की भी सबसे बढ़िया रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, जाइए इन्हें मैसेज कीजिए, मैसेज करने पर आपको पक्का फायदा होगा। अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद।